नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार मिलने शुरू हो गए हैं, ऐसे में जो है अब मुखिया पति पर बिहार सरकार नकेल कसने वाली है। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद अब पंचायती राज व्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है। ऐसे में अब नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या फिर अन्य प्रतिनिधियों के बैठक में शामिल होने पर सरकार ने साफ तौर पर रोक लगा दिया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी की नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार नहीं होगा। सरकार की तरफ से जारी इस फैसले के बाद से मुखियापति पर नकेल के रूप में इसे देखा जा रहा है। बता दें कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत में महिला मुखिया और अन्य पंचायती राज प्रतिनिधियों की जगह उनके पति ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं। ऐसे में पंचायतों में मुखिया पति का नाम खूब इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मुखिया के पति अपने आप को मुखिया से रत्ती भर भी कम नहीं समझते हैं। ऐसे में अब नीतीश सरकार इस परिपाटी को लेकर काफी सख्त है और इस काम को एक तरह से कहीं भी समाप्त करने को लेकर यह फैसला लिया गया है। इधर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के लिए जो महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुई है उनकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति बैठकों में शामिल नहीं होगा। समय समय पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों की बैठक आयोजित की जाती है। इसमें उन्होंने कहा कि महिला जनप्रतिनिधि स्वयं शामिल होंगी और अब तक अगर हम महिला प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं तो यह इजाज़त नहीं दी जाएगी। महिला प्रतिनिधि की बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को कड़ाई से आदेश का पालन करने का निर्देश जो है वह दिया गया है। बिहार में इस साल पंचायत चुनाव में नए उम्मीदवार सबसे ज़्यादा जीतकर सामने आए हैं। खासकर इस बार के पंचायत चुनाव में युवाओं को मतदाताओं ने खूब मौका दिया है। ऐसे में अब जिस तरह से राज्य सरकार का फैसला सामने आया है उसके बाद से देखना है कि पिछले लंबे समय से मुखियापति का जो चलन चलते आया है उसमें कितनी कमी आती है। हालांकि राज्य सरकार पंचायतों में पारदर्शिता की बात करती रही है। आपको बता दें कि इसी तरह के मामले को लेकर अमेजन प्राइम ने एक पंचायत के नाम से वेब सीरीज भी बनाया है। तो ये पूरा जो मामला है वो मुखियापति पर नकेल कसने को लेकर है। बिहार सरकार लगातार इन सब मामलों को लेकर सख्ती बरतते रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।